बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए देने के मामले में बैकफुट पर है जननायक जनता पार्टी। हरियाणा सरकार में गठबंधन में रह रहे कैबिनेट मंत्री और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली कुछ दिनों से नवनिर्वाचित सरपंचों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें अच्छे ढंग से कार्य करने के दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। अपने कामों को लेकर आजकल वे शक्ति भी दिखा रहे हैं। सरपंचों से मुलाकात के दौरान उनका एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देवेंद्र बबली का मानना है कि हरियाणा में आज के समय में पूरे देश के मुकाबले सबसे अधिक बुढ़ापा पेंशन है जो कि 3100 रुपये है, इसलिए एकदम से 5100 रुपये हम नहीं दे सकते। देवेंद्र बबली के इस बयान का ग्रामीण तबके के लोगों पर क्या कुछ असर पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।